क्वेश्चन इज शो दैट इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, वी विल ड्रॉ एन आइसोसेलस ट्राइंगल. ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी इन विच साइड ए बी इज गिवन इक्वल टू साइड ए सी. यहां पे आप लिखिए गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. टू साइड्स आर इक्वल इन द आइसोसेलस ट्राइंगल. सो वी नो दैट इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. सो विच टू साइड्स वी हैव टेकन इक्वल इन दिस ट्राइंगल, ए बी एंड ए सी. नाउ टू प्रूफ, टू प्रूफ मतलब क्या, हमको क्या प्रूफ करना है. टू साइड्स आर इक्वल, इट्स गिवन, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा. एंगल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी. वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी. ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल बी. अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. प्रूफ, पी आर ओ वी ई, कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर और ड्रॉ एन एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी. फ्रॉम ए टू साइड बी सी, सो दिस इज एन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा साइड पर. एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा अपोजिट साइड पर, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, डी. ड्रॉ एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का नाम क्या है, एल्टीट्यूड ए डी ऑन बी सी. नाउ व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, देर आर टू ट्राइंगल्स. नाउ कैन वी शो सम कॉन्ग्रुएंसी इन दीज टू ट्राइंगल्स. हम लोग इन दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं. हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंसी दिखा दें ये दोनों ट्राइंगल को, क्या बोलते हैं, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी. हो सकता है ना. ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करें प्रूफ. प्रूफ मतलब हम लोग अब प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, यहाँ पे नाम बताइए कैसे लेंगे. ए बी डी लिया है तो वहां पे क्या लेंगे, ए सी डी. यस, ए सी डी. ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम यूज करने वाले हैं, हम केवल वो चीजें लिख रहे हैं जो हमको दी हुई है क्वेश्चन में. ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों, गिवन है. ये हमारे पास क्या आ गई, साइड आ गई. इसके बाद और तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ए डी कॉमन मिल रहा है. तो हम लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी क्यों, कॉमन. तो ये भी हमको क्या मिल गया, साइड मिल गया. ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, इन दोनों एंगल को तो इक्वल हमें प्रूफ करना है. केवल हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बच रहा है, उस एंगल का नाम क्या है, बीडी. ये लिखेंगे आर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, कितना, 90 डिग्री. कैसे 90 डिग्री आया था, बाय कंस्ट्रक्शन. हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या दिया किया था, ये हमें करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने एक बस क्या किया, एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है. ये राइट एंगल लिया है और हमने इसके सामने ए बी इज इक्वल टू ए सी लिया, तो हम ये ए बी इज इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई, आर एच एस. देयरफोर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. नाउ एंगल सी या एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी क्यों, बाय सी पी सी टी. बाय सी पी सी टी दीज टू एंगल्स विल बी
इक्वल, जो हमको प्रूफ करना था एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमने सीपीसीटी से बताया क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दो साइड अगर किसी ट्राइंगल की क्या है, इक्वल है, तो उनके अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने किसकी हेल्प से बताया, हमने कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से बताया, कॉन्ग्रुएंसी दिखाई हमने उसने दोनों ट्राइंगल को इक्वल बता दिया, और उसके बाद बताया कि ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों ट्राइंगल हैं इक्वल और ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो जगह इसमें बी की है वही जगह इसमें सी की है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।